2 दिन बाद घर आया है, देखें आप इसको, लाल कबूतर को। ये 2 दिन बाद घर आया है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी दिन बाद कबूतरों की वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि ज़रा टाइम नहीं मिल पा रहा था और घर में भी काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा उसमें बिजी था। तो अभी हमारे नए कबूतर आए हैं थोड़े से, जो कि मेरठ से आए हैं मद्रासी टाइप, उड़ने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो सामने दो बैठे हुए, ये दुबाज है और ये है एक, ये लाल पट्टा नया आया है, ये वाला भी नया है, एक वो पट्टा नया है, 5, 6 वो बच्चा है, 7। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। एक ये भी नया है, ये जो रंगा हुआ है, ये देखें। काफ़ी सारे कबूतर नए आए हैं इसमें, आप देखेंगे ये जो बैठे हुए हैं। और अभी मैंने तो आज ही देखा, ये मेरठ से आए हैं 1-2 दिन पहले, पापा लेके आए थे। ये हमारा लखा का जोड़ा है। तौसीफ बेटा, इसका लखा के जोड़े का बच्चा है, मर गया। काबक बंद है ना, अब खोल तो नहीं रखी। बस ठीक है, तो हमने इनको भी काबक से बाहर ही निकाल दिया। अब ये दाना वगैरह खा रहे हैं, इनका पानी भी नहीं, उठा के बाहर रख दो कबूतरों का। ये देखें, कबूतरों को चेक करें, आज छत वत भी बिल्कुल साफ हुई हुई है। ये अंदर, ये देखें, एक ये अभी उड़ के आके बैठा है, फिर वापस उड़ गया। ये देखें, ये अंदर वाला कमरा है। इंशाल्लाह बाद में जब पूरा सेटअप इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा इरादा है, यहाँ पे मुर्गियाँ टर्कियाँ वगैरह पालेंगे, या फिर हो सकता है बकरे इस कमरे में शिफ्ट हो जाएं। अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं पता क्या होगा, बट यहाँ से हट जाएगा सब, बकरे इस छत पे ही आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं कैसे भी सिस्टम रहता है, हो सकता है बकरों को इस पर शिफ्ट कर दें, या अंदर बैठने उठने की जगह हो जाएगी उनके, और उस तरफ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। दाना वाना भी सब यहीं पे स्टोर हो जाएगा, सारी चीज़ें बकरे यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। हो सकता है मैं कर दूं ये चीज़, बट अभी फ़िलहाल नहीं पता। बट आप कबूतर चेक करें, मैं एक आध पट्टा, और आप देखें काफ़ी सियाने हैं, देखें पास जाते ही उड़ रहे हैं, हाथ भी नहीं आया। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये छोटा सा ही बच्चा है, मैं इसका आपको शौक कराता हूँ। ये देखें, बहुत छोटा बच्चा है, ये देखें इसकी आँख देखें, ये देखें। ये कबूतर बहुत अच्छा है, ये नया आया है, ये पानी भी भर दिया इनका। ये हमारा सफ़ेद आ गया है पंजाबी, पानी वानी पी रहे हैं। और भी एक आध कबूतर का मैं आपको शौक कराता हूँ, ब्रीडिंग अपडेट दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें काफ़ी कबूतर नए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 बाहर, एक बाहर है, 8वां शायद। यहाँ पे 2 नए बच्चे भी निकले हुए हैं, ये आप देखें। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो यही एक छोटी सी अपडेट है कबूतरों की, और हमारी बिल्ली ने भी बच्चे दे दिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हमारी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब ये देखें, सब पानी वानी पी रहे हैं, दाना खा लिया इन्होंने। हमारा एक कबूतर उड़ गया है, उसको अभी हम चेक कराते हैं। तौसीफ बेटा, चढ़ के देखियो, नीचे उतर गया वो लाल, किधर है? हमारा एक लाल उड़ गया था कल, वो देखें, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, उसको भी हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने नीचे कबूतर छोड़वाए हैं, अब वो नीचे कबूतर वो रहे, आपको 2 दिख रहे होंगे, उसकी वजह से हमने उनको छोड़ा, क्योंकि वो जो है हमेशा से उस छत का हिला हुआ है, मतलब नीचे पाला था, 10-15 साल वो नीचे ही रहा, अब ऊपर आ गया है। तो देखते हैं क्या होता है, अगर उतरता है तो। चलें इसी के साथ, अभी अगर वो लखा आता है उसका वेट करते हैं थोड़ा सा, वो आता है नीचे तो फिर एंड करेंगे ब्लॉग को। फिलहाल के लिए उसका वेट करते हैं, सामने बैठा हुआ है वो, और वहाँ से उड़ गया वो, पता नहीं किधर गया, ढूंढते हैं उसको। तो यार काफ़ी देर हो गई उसका इंतज़ार करते हुए, वो तो आया नहीं, सामने बैठा हुआ आपको दिख रहा होगा। पर एक जंगली कबूतर उतर आया हमारी छत पे, दाना वाना खा के ये भी उड़ जाएगा। मुझे शौक नहीं ऐसे कि पकड़ें फालतू में, खाना है अपने नसीब का, जिसको खाना होगा खा लेगा। बैठा हुआ ये भी, पटिए सादा पास आएगा नहीं, अपने आप ही भाग जाएगा, जो इधर उधर का दाना गिरा हुआ उसे ही खाएगा ये। पर हमारा जंगली नहीं है, ये हमारा पालतू है। और अब बाकी सब कबूतरों ने भी खा लिया है, उसको देखें, वो उसकी आने की मुझे कोई आशंका लग नहीं रही है, पर कोशिश कर रहा है, देखें इंशाल्लाह शायद आ जाए।
अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे बाकी सब कबूतर पानी वानी पी चुके हैं और टहल रहे हैं अपनी थोड़ी बहुत देर करने का दिए, अभी अंदर चले जाएंगे फिर उसको हम देखते हैं, अगर आएगा तो वरना उसे रात में पकड़ेंगे। ये जंगली उड़ा है यहाँ से एकदम से, देखते हैं गाइस क्या होता है, पर उसको देख के लग तो रहा है वो उड़ने वाला है जैसा कि वो एक्शन कर रहा है। चले सो गाइस, वैसे तो हमने व्लॉग एंड कर दिया था पर हमारा कबूतर आ गया, हम सोच रहे थे रात को पकड़ना पड़ेगा। ये दो दिन बाद घर आया है, देखें आप इसको, लाल कबूतर को, ये दो दिन बाद घर आया है, सफ़ेद आँख का कबूतर है और हमारा बहुत पुराना कबूतर है, मतलब इसका बाप भी हमारे यहाँ ही था, इसका दादा भी, और बहुत पुरानी ब्लड लाइन है लाल हापुड़ में। उस टाइम पे ये एक ही ब्लड लाइन होती है लाल कलर की जो हमारे यहाँ थी, अब तो खैर सब में आने लगे, वरना पहले काबलियों में लाल रंग बहुत रेयर होता था। ये है काफ़ी पुराना कबूतर, देखें ये अभी आया दो दिन बाद घर, और ये घर भी इस वजह से यहाँ पे इसको नहीं बांधता क्योंकि ये पिछले 8-10 साल से नीचे ही पला हुआ था। सब ये आया दाना पानी अब खाएगा बेचारा, दो दिन का भूखा है। चले एंड करते हैं ब्लॉग को, अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार चैनल को।